नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर नरसिंहपुर से, जहां गेहूं उपार्जन में चल रही अनियमितताओं के चलते विधायक जालम सिंह पटेल ने लिया संज्ञान। विधायक ने कहा, जांच कराकर दोषियों पर की जाएगी कार्रवाई। विधायक ने स्पष्ट किया कि गेहूं उपार्जन में केवल 50 किलो ऊपर और बोरी का वजन ही लिया जा सकता है। इससे अधिक लेने वाली समितियां पर गिर सकती है गाज, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। गौरतलब है, रेड अलर्ट न्यूज ने बीते दिन सरकारी समिति मर्यादित धमना की खबर चलाई थी, जहां पर 51 किलो 300 ग्राम की खरीदी की जा रही थी। उक्त खबर के बाद नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह ने जांच कराकर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना होगा कि विधायक जालम सिंह के बयान के बाद प्रशासन अधिक मात्रा में लेने वाले पर कोई कार्रवाई करेगा या यूं ही गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों के साथ लूट चलती रहेगी। मैं सिर्फ अगर कहीं कुछ होना है तो मात्र जो बोरी का वजन होता है उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना, और कहीं लेना तो अपराध है। अगर आपने बताया कि अगर विशेष रूप से उसकी जांच करा कर उसका रिकवरी नहीं होगी तो किसानों को उसका लाभ होगा। ऐसा हुआ तो अगर आपने बताया तो उसमें खुद जाके उसकी बहुत जल्दी उसकी जाँच। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।